Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और इसमें आप जो है टॉपिक कौन कौन से पढ़ चुके हैं. सबसे पहले मैंने आपको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड बताया था, और उसके बाद जो है फूड चेन को डिस्क्राइब किया गया था, और उसके बाद जो है फूड वेब को. यानी कि ये टॉपिक जो है वो आप पहले पढ़ चुके हैं. आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है बैलेंस इन नेचर. नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 176. टॉपिक आपका क्या है? बैलेंस इन नेचर. ठीक है, बैलेंस इन नेचर आपका जो है आज का टॉपिक है. अब बैलेंस इन नेचर से मतलब क्या है कि द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ फूड चेन हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. यानी कि क्या बताया मैंने कि यानी कि प्लांट और एनिमल जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपने फूड चेन में पढ़ा है, तो इससे क्या होते हैं, नेचर जो होती है वो बैलेंस में रहती है. ठीक है, यानी कि इस तरीके से तो है, जो है नेचर जो है वो बैलेंस में रहती है. अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दूंगी. फॉर एग्जाम्पल यानी कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा जिराफ मौजूद है, ठीक है, क्या कहा मैंने, यानी कि कहीं पे किसी जगह पे बहुत ज्यादा जिराफ मौजूद है, तो क्या होंगे कि वो किस चीज को जिराफ खाते हैं, आपको पता है, ट्रीज वगैरह को खाते हैं, ट्रीज को खाते हैं, शर्ब्स को खाते हैं. ठीक है, जब जिराफ ट्रीज को और शर्ब्स को बहुत ज्यादा तादाद में खाएंगे तो क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट होगा कि जो लेस नंबर ऑफ ट्रीज रह जाएंगे. ठीक है, यानी कि अगर जिराफ बहुत ज्यादा होंगे कहीं, तो वो क्या होंगे, ट्रीज को जब अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खा लेंगे, तो क्या होगा कि वहां पर जो है ट्रीज की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्री कोई एक दिन में नहीं निकलते, इसके लिए जो है सालों चाहिए होते हैं जब वो ट्री बनते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा जब जिराफ ट्रीज को खाएंगे तो क्या होगा कि ट्रीज की तादाद कम हो जाएगी, और जब ट्रीज की तादाद कम हो जाएगी तो क्या होगा, फिर जो जिराफ को अपनी फूड भी नहीं मिल पाएगी, और इस तरह जो है वो भूखे रह जाएंगे. कुछ जिराफ भूखे रह जाएंगे और कुछ को अपनी फूड मिलेगी, तो जो वो जो जिराफ जिनको फूड नहीं मिलेगी फिर वो क्या होंगे, वो डाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ठीक है, यानी कि वो जिराफ जिनको फूड नहीं मिल पाएगी तो वो क्या होंगे, जिराफ डाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से अगर यानी कि जब जिराफ की तादाद कम होने लगे, ठीक है, अगर फ्यू जिराफ रह गए हैं, ठीक है, यानी कि डाई हो गए, तो कुछ जिराफ जो है जब रह जाएंगे तो क्या होंगे कि वहां पे जो है फिर जो होगी कि वहां पे जो है मोर ट्री ग्रो करने लगेंगे. कैसे ग्रो करने लगे कि सारी बातें, जब जिराफ की तादाद कम हो जाएगी तो क्या होंगे, उन्हें थोड़ा ही फूड चाहिए होगी, ट्रीज चाहिए होंगे जो अवेलेबल है, और जो बहुत ज्यादा एरिया मौजूद है जहाँ पे ट्री ग्रो हो सकते हैं, तो वहां पे मल्टीप्लाई होने लगेंगे ट्री, बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे ट्री, तो वहां पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ट्री की तादाद फिर ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, और इसी तरीके से जब फ्यू जिराफ जहां पे रह जाएंगे, अगर
फ्यू जिराफ है तो क्या होगी जो इनको फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ एनिमल ऐसे भी तो होंगे जो जिराफ को भी खाते होंगे, ठीक है। अभी तो हम बात कर रहे थे जिराफ की फूड की, अब जिराफ को जो एनिमल्स खाते हैं यानी कि जिस तरह लॉयन है, ठीक है, जब फ्यू जिराफ रह जाएंगे तो जो इनको खाने वाले एनिमल्स होंगे यानी कि उनको भी जो है वो लेस फूड मिलेगी। किनको मिलेगी लेस फूड, किसको मिलेगी, यानी कि लॉयन को, ठीक है, लॉयन को जो है लेस फूड मिलेगी। कम जिराफ मौजूद होंगे तो क्या होगा, लेस फूड मिलेगी किसको, लॉयन को। और फिर क्या होगा, इसी तरीके से जो है कुछ लॉयन जिनको जिराफ मिल गए हैं वो तो जिंदा रहेंगे, और जिनको जिराफ नहीं मिल पाए अपनी फूड के तौर पर वो लॉयन भी जो है डाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि फिर लॉयन की जो लॉयन भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्यू रह जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि लॉयन भी जो है फ्यू तादाद में रह जाएंगे, यानी कि अगर जिराफ भी फ्यू तादाद में है और जो है लॉयन भी फ्यू तादाद में होंगे तो क्या होगा, फिर जो है आपको बताया था कि जिस तरीके से जब लॉयन जिराफ फ्यू रह जाते हैं तो क्या होगा, मोर ट्री ग्रो करने लगेंगे, और जब मोर ट्री ग्रो करेंगे, मोर ट्री ग्रो करेंगे तो मीन्स है कि वहां पर जो है मोर जिराफ होंगे, क्यों मोर जिराफ होंगे, क्योंकि उन्हें वहां सुटेबल कंडीशन मिल रही है, उन्हें वहां पे फूड मिल रही है। अगर बहुत ज्यादा ट्रीज मौजूद है तो जिराफ जो है वो अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करें, और फिर जिराफ की जो है उनकी नस्ल में भी इजाफा होता चला जाएगा। और जब जिराफ बहुत ज्यादा तादाद में पैदा हो जाएंगे, जिराफ बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होंगे, वो जो इन जिराफ को खाते हैं उनकी तादाद भी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि मोर लॉयन, ठीक है, लॉयन भी जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में हो जाएंगे। क्यों हो गए, क्योंकि जिस तरह जिराफ को ट्री ज्यादा मिलने लगे उनके लिए कंडीशन सुटेबल हुई तो उनकी जो है नस्ल बढ़ गई, तो इसी तरह जो है लॉयन जो कि जिराफ को खाते थे उनकी भी नस्ल बढ़ने लगेगी, क्योंकि उन्हें जो है जिराफ ज्यादा तादाद में मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि बता रहे हैं कि अगर कोई चीज यानी कि कोई एनिमल अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा एनिमल भी कम हो जाते हैं, और अगर कोई एनिमल की ग्रोथ ज्यादा होगी तो जो उनको खाने वाले एनिमल है उनकी तादाद भी ऑटोमेटिकली जो है बढ़ती रहेगी, ठीक है। और द रिजल्ट इज अ कंप्लीट बैलेंस इन नेचर, और इस तरह क्या होता है कि मुकम्मल तौर पर नेचर जो है वो बैलेंस में रहती है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है डू यू नो का, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। डू यू नो का जो पैराग्राफ है ठीक है, डू यू नो में जो बताया गया है कि बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट क्या होता है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट आर द एरिया दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन बायोडायवर्सिटी, यानी कि डायवर्सिटी की मीनिंग्स क्या है कि जहां पे बहुत सादा जो है प्लांट्स और एनिमल एक एरिया में मौजूद हो। तो ये बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट जो है एक ऐसा एरिया है जहां पर जो है एनिमल्स और प्लांट की तादाद जो बहुत ज्यादा मौजूद है वो जो एनिमल्स और प्लांट हैं उनको एक्सटिंक्ट होने का बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। एक्सटिंक्ट माने क्या होता है, एक्सटिंक्ट मीन्स होता है यानी कि वो एनिमल और प्लांट जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आने वाले वक्तों में इस दुनिया में। तो ये बता रहे हैं कि एनिमल्स और प्लांट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उस जगह से
तो वो इलाके जो कलारे होते हैं वो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है इन्हें। और देयर आर 25 हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 25 ऐसी जगह है, हॉट स्पॉट है, जहां पर एनिमल्स और प्लांट को ये खतरा है कि वो वहां खत्म हो जाएंगे आने वाले वक्तों में। इसके बाद आपका टॉपिक आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान जो है करेक्ट बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह जो है हमारी अर्थ जो है स्टेबल रहती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल किसको कहा जाता है, जो चीजों को हम जलाने के लिए, बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, और जो है पेट्रोल वगैरह बर्निंग के लिए जो यूज होते हैं। तो यहाँ बता रही थी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज अ ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जब ये यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि हीट में, टेम्परेचर में इजाफा होता जाता है, और ये वापिस जो है अर्थ से बाहर नहीं जा पा रही, और इस तरीके से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जो है ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करना चाहिए, इसको डिक्रीज करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हम किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ट्रीज लगाएं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट की ग्रो करें, तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है प्लांट जो है अपनी फूड बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, जी हाँ, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं अपनी फूड बनाने के लिए प्लांट, और आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि ये इन्हें किस चीज की रिक्वायर्ड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो एयर से लेते हैं, वाटर चाहिए होते हैं जो कि जमीन से लेते हैं, इसके अलावा इन्हें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा इन्हें क्लोरोफिल चाहिए होता है, और ये क्या चीज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो यहाँ पे ये क्यों बताई गई है, क्योंकि आपको बताया कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए प्लांट को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। जब हम प्लांट को लगाएंगे तो क्या होगा कि प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एयर से लेता रहेगा, और जो होगा कि इसके रिजल्ट में हमें जो है ऑक्सीजन मिल जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए नुकसानदेह है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो प्लांट ले लेंगे अपनी फूड बनाने के लिए, और रिजल्ट में जो है वो हमें ऑक्सीजन जो है मिलती जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन जब हमें मिलती जाएगी तो इससे क्या होगा कि ये एक बैलेंस रहेगा, और इस तरह जो है एयर भी जो है प्यूरिफाई होती रहेगी। ठीक है, हमें साफ हवा मिलती रहेगी,
लेकिन हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो है फॉरेस्ट को जो है काटा जा रहा है, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट को जो है काटा जा रहा होता है। क्यों काट रहे हैं हम फॉरेस्ट को, ट्रीज को वहां से काट रहे हैं, उन जगह से जहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है, क्योंकि अब पॉपुलेशन जिस तरीके से तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है, जब पॉपुलेशन की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है तो उनकी जो है नीड्स भी बढ़ गई हैं, उनकी जरूरियात भी बढ़ गई हैं, तो उन्हें जो है अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए जो है ट्रीज को काटा जा रहा है। तो वो क्यों काटते हैं, क्योंकि आप जब वो काटेंगे तो वो जगह जो है उनको प्रोवाइड हो जाएगी और वहाँ पे जो है वो अपनी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, या फिर जो ट्रीज को काट रहे हैं वो अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बनाने के लिए, विंडोज के लिए रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है वुड की, इसी तरह जो है डोर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए चाहिए होती है, तो वो इन तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है ह्यूमन जो है वो ट्रीज को काट रहे हैं। यानी कि जब ये ट्रीज को काटने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि वहाँ किसी भी जगह से ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो ट्रीज को काटा जा रहा होता है, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये कहला रहा होता है डीफॉरेस्टेशन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन आपको क्या बताए कि जहां से ट्रीज वगैरह को ज्यादा से ज्यादा काटा जा रहा हो वो जगह क्या कहलाई होती है, वो इलाका जो है वो क्या हो रहा होता है, यानी कि उस जगह को डीफॉरेस्टेशन कहा जाता है, यानी कि रिमूवल और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि रिमूव करना या कटिंग करना फॉरेस्ट को जो क्या कहला रहा होता है, डीफॉरेस्टेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी जगह से आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को जो है काट दें तो वो ट्रीज को काटने का जो प्रोसेस होता है या रिमूव करने का जो प्रोसेस है इसको डीफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीफॉरेस्टेशन, यानी कि डीफॉरेस्टेशन के क्या रिजल्ट होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ रहे होते हैं अगर हम डीफॉरेस्टेशन करें, यानी कि प्लांट को हम काटते ही चले जाएं अपने मकसद के लिए, यानी कि हमें जमीन मिल जाए कि हम वहाँ पे हाउस बना सकें, हम बिल्डिंग बना सकें वहाँ पर, और इसके अलावा जो है वो ऐसी जगह जब जमीन हमें मिल जाएगी बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे हम जो है एग्रीकल्चर कर सकें, एग्रीकल्चर के प्रोसेस को कर सकें, हमें ताकि फूड ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके तो हम ट्रीज को काट रहे हैं, और इसके अलावा फर्नीचर के लिए जो है हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो ट्रीज वगैरह को काटा जा रहा है, तो जो इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं यानी कि डीफॉरेस्टेशन की वजह से जो है हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इफ़ेक्ट्स होंगे कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। अगर डीफॉरेस्टेशन को हम करें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम ये काटते चले जाएं तो इसका क्या होगा, एक तो जिस तरीके से अगर हम डिमांड फॉर टिम्बर राइजिंग होती जाएगी, टिम्बर किसे कहते हैं, यानी कि वुड को, लकड़ी को जो कि हम प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो टिम्बर की जो है वो डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और अगर हम जो है ने लॉन्ग टर्म सप्लाई करते चले जाएं, यानी कि अगर हम ये टिम्बर को उनकी जरूरत के लिए देते चले जाएं तो ये सप्लाई क्या हो जाएगी, थ्रेटन हमारे लिए खतरा बन जाएगा,
हमारे लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। जारी सी बात है कि हम जो जरूरत उनकी जरूरत पूरी करने के लिए जो है टिम्बर को ज्यादा ट्रीज को ज्यादा ज्यादा काट रहे हैं, क्योंकि उनको टिम्बर ज्यादा से ज्यादा चाहिए है, लकड़ी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जब सप्लाई करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा कि हमारे पास से फॉरेस्ट बिल्कुल खत्म होते जाएंगे। और सेकेंडली क्या होगा, इंक्रीज होगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। ये तो अभी आपको बताया भी कि किस तरह, कि जारी सी बात है जब आप ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा काटेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेंगे, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है बढ़ाती चली जाएगी, और इस तरह जो है ग्लोबल क्लाइमेट पैदा हो जाएगा। यानी कि हमारे पूरे क्लाइमेट को जो है इससे खतरा हो जाएगा कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ट्रीज को हम काट रहे हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर हम बिल्कुल इसको तबाह कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं फॉरेस्ट को, विल लीड टू सॉइल इरोजन। यानी कि अगर हम फॉरेस्ट को बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन क्या होता है, यानी कि अगर किसी एक जगह पे जो है बहुत ज्यादा ट्रीज मौजूद है या क्रॉप्स मौजूद है, फसलें वगैरह मौजूद है, ठीक है, ट्रीज मौजूद है, और आपको पता है ये सरफेस है जमीन की और इसके नीचे रूट्स मौजूद है, ठीक है, किसी भी एरिया में अगर बहुत ज्यादा ट्रीज मौजूद होते हैं तो क्या होती है, उनकी रूट्स जो होती हैं वो क्या कर रही होती है, इस यानी कि जो सॉइल होती है जमीन के नीचे इसको बाउंड किए हुए होती है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हो रही है या आंधी वगैरह आ रही है तो इससे क्या होती है, इनकी सॉइल जो होती है वो एक जगह पे फिक्स रह सकती है और क्रॉप्स ग्रो होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को जो है बिल्कुल काट दें वहां से, यानी कि हम इसको यहाँ से खत्म कर दें इस पूरी जगह पर, तो आपको क्या होगी कि ये जो सरफेस, यानी कि जो सरफेस है, आपको पता है कि ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है जहाँ पे मैन्यूर वगैरह मौजूद होते हैं, खाद मौजूद है, जहाँ पे ट्री ग्रो कर रहे होते हैं, ये जगह जो कहलाती है सबसे ऊपर की सरफेस, ये टॉप सॉइल कहलाती है, जहाँ पे क्रॉप ग्रो करते हैं टॉप सॉइल पे जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर होती है, यहाँ पे मैन्यूर मौजूद है, खाद मौजूद है, जहाँ पे जो है प्लांट की या क्रॉप्स की ग्रो जो होती है बहुत आसानी से बहुत अच्छी हो रही होती है। लेकिन अगर मैंने बताया कि इन ट्रीज को हम काट दें यहाँ से, तो क्या होगा कि ये जो रूट्स बाउंड किए हुए होती हैं ये नहीं करेंगी, रूट्स जमीन को बाउंड नहीं कर पाएंगी, और जो बारिश वगैरह होगी तो जो यहाँ पे जमीन मौजूद है जिस पर जो टॉप सॉइल मैन्यूर वगैरह मौजूद है, खाद वगैरह मौजूद है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी, एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाएगी, और इससे क्या होगा कि वो जमीन ऐसी हो जाएगी कि वहां पर हम क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टॉप सॉइल जहाँ पे मैन्यूर डाली गई थी, खाद डाले गए थे, सीड डाले गए थे, बारिश होने की वजह से क्या हुआ, वो जमीन जो है वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक जगह से उसका दूसरी जगह चली गई, ठीक है, वो बह के जो है वो चले गए और वो क्या होंगे, वो खराब हो जाएगी, यानी कि सरफेस, और वहां पर जो है क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कहा गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल लीड टू सॉइल इरोजन, और इसकी वजह से क्या पैदा होते हैं, सॉइल इरोजन के, यानी कि वो जमीन जो होगी वो इस काबिल नहीं रहती कि वहां पर जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। यानी कि क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या होगा कि वहां पर ग्राउंड जो होगा अनसुटेबल फॉर किसके लिए, ग्रोइंग क्रॉप के लिए, ठीक है, वो जो
ग्राउंड होगा वो अनसुटेबल हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन से और क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि हम जब फॉरेस्ट को काट रहे हैं वहां से बिल्कुल खत्म कर रहे होते हैं, डिस्ट्रक्शन विल लीड टू, और क्या करती है, यानी कि अगर हम फॉरेस्ट को काट देते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, अभी आपको क्या बताया था एक्सटेंट मीन क्या होता है, आपको समझाया था एक्सटेंट मीन होता है यानी कि एनिमल्स का जो है या प्लांट का मुकम्मल तौर पर जमीन से खत्म हो जाना। तो अगर हम जो है फॉरेस्ट को काटते चले जाएंगे तो आपको पता है कि फॉरेस्ट में जो है मुख्तलिफ किस्म के वाइल्ड एनिमल्स की कम्युनिटीज है, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट है जो कि वहां पे रह रहे हैं, उनका होम ग्राउंड मौजूद है। और अगर हम जो है फॉरेस्ट को काट देंगे तो क्या होगा कि जो एनिमल्स और प्लांट वगैरह है वो भी वहां से उनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी हमें वो वहां पर एनिमल्स और प्लांट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा जो आज हमने पढ़ा था के कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का। अच्छा, आप होमवर्क लिख लीजिए। आपको मैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुकी हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा दिया गया है। आज जो है मैं आपको देने जा रही हूं 5 से। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन फूड वेब। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था फूड वेब का। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ आर सीड डिस्पर्स इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, ये भी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ था। इसके बाद व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैं से ये सिर्फ जो है आपकी डेफिनेशन है एक एक लाइन की, जो आपको बुक पेज नंबर 179 पे मिल जाएंगी। ठीक है, डिफाइन वो डिफाइन फूड वेब और डिफाइन डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये आपको बुक पेज नंबर 179 पे जो टॉप पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लिखी है वहां से मिल जाएगी। इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिएगा। इसके बाद जो 2 आंसर है 7 और 8, ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये वहां से आप लिख लीजिए। अच्छा, क्लास 7 आप देख लीजिए, 5 और 6 मैंने आपको बता दिया है। 179 पे आपको जो है वो डेफिनेशन मिल जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका कि हाउ आर सीड डिस्पर्स इन अ फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा डिस्पर्सल ऑफ सीड इन अ फॉरेस्ट, और फिर जो है ये पूरा आप इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, और आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा एक जो है और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये देखिएगा
कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डीफॉरेस्टेशन। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 8, आपको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीफॉरेस्टेशन हेडिंग डालिएगा और फिर इसके 1, 2, 3 पॉइंट्स जो है वो यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा तो ये आपका आज का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 8 तक मैंने क्वेश्चन आपको आज के दिए हैं जो आपको अपने जर्नल पे करने हैं। ठीक है, और आपके अब तो जर्नल आ भी गए हैं स्कूल में, तो आप जिस जिसने ले लिए वो तो जारी बात है डायरेक्ट अब उसमें ही करें काम, और जिसने नहीं लिए वो भी जल्द से जल्द जो है स्कूल से जाके ले लीजिए, और अब जो है वो काम जो है आप लोग प्रॉपर वे से जो है अपना जर्नल में ही कंप्लीट करें। ठीक है, और जो इसके बाद अभी कुछ थोड़ा सा आपका जो है चैप्टर रिमेनिंग है और क्वेश्चन आंसर भी रह गए हैं, सारी बातें वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होंगे आपके। अभी तक के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।